हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरपीएल में स्वागत करता हूं। आपको पता है कि हम रेगुलर आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो भी एग्जाम हो रहे हैं आपके होने वाले हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके यूपीएसआई के लिए दोस्तों। ठीक है, खास करके क्या, यूपीएसआई के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है ये क्लास दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज हम हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, इसका पांचवा पार्ट है। क्या पांचवा पार्ट है? तो आज हम देखेंगे संविधान का लागू होना, संविधान किस तरीके से लागू हुआ है, तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 26 नवंबर 1949 को नागरिकता हो गए, चुनाव संबंधी हो गए, जो तदर्थ संसद थे, या अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान दोस्तों इसी दिन लागू हो गए थे। कब? 1949 यानी 26 नवंबर को ही लागू कर दिए गए थे, क्योंकि इस दिन का संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसीलिए आपको पता होगा कि 26 नवंबर को ही हम संविधान दिवस मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे भी 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। ये आप सबने पूछा था, और आपको बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को दोस्तों। ठीक है, देखिए कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो आपको बता दें दोस्तों कि अनुच्छेद 5 हो गया, ठीक है, अनुच्छेद 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, 9 हो गया। दोस्तों आपको पता है ये नागरिकता संबंधित है ना, ये चीज तो आपको पता होगा। ठीक है, फिर 60 हो गया, अनुच्छेद 324 हो गया, 366 हो गया, 367 हो गया, 379 हो गया, 380 हो गया, 388, 391, 392 और 393, ये स्वतः उसी दिन लागू हो गए। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कितने जो अनुच्छेद थे दोस्तों वो 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे, तो आपको ये याद रखना। ठीक है, क्योंकि आपको पता है संविधान कब 26 जनवरी को लागू हुआ था, मगर कुछ चीजें जो हैं वो 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे, इसलिए याद रखेंगे। ठीक है, कि 26 जनवरी 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, और इस दिन भी कुछ चीजें लागू हो गई थी और कुछ चीजें उन्हें रख दिया गया था 26 जनवरी को लागू करने के लिए। ठीक है, चलिए अब ये अनुच्छेद आपने देख लिए, इतने सारे अनुच्छेद जो हैं पहले ही 26 नवंबर को ही लागू कर दिए गए थे। ठीक है, अब देखिए संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे, इसीलिए इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए, और जो बचे थे दोस्तों उनको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, इसीलिए देखिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों चीजों को आप याद रखना। अब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ रहा होगा कि भैया जब 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था तो इसी दिन क्यों नहीं लागू कर दिया गया, हमें 26 जनवरी की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, क्योंकि काफी समय हो गया, नवंबर दिसंबर जनवरी लगभग लगभग 3 महीने के इंतजार क्यों करना पड़ा। तो आपको बता दें इसलिए इंतजार करना पड़ा, क्योंकि देखिए कि 26 जनवरी को संविधान लागू करने के लिए इसलिए चुना गया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन, ठीक है, 1929 में, ठीक, पारित हुआ था, संकल्प इसमें लिया गया था कि हमें पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था, इसीलिए दोस्तों इस दिन का हमें चयन करना पड़ा 26 जनवरी का। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। और देखिए संविधान के शुरुआत के साथ ही दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, देखिए जब हमारा संविधान लागू होता है, देखिए जो स्वतंत्रता अधिनियम है दोस्तों इसमें क्या क्या बंटवारा किया गया था ना, तो आपको पता है जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू हुआ, उसके साथ ही साथ दोस्तों स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को समाप्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, और भारत शासन अधिनियम 1935। आपको पता है कि संविधान में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का ही सबसे ज्यादा प्रभाव अपने संविधान पे पड़ा है, तो इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। लेकिन एक चीज और याद रखना, क्या, एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिलिंग ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949, ये समाप्त नहीं हुआ, ये लागू ही रहा है। ठीक है, ये लागू ही रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है इनको देखिएगा। ठीक है, देखिए ये क्या होते हैं, वन लाइनर होते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी जाते हैं। क्या, चलिए थोड़ा बता दें आपको दोस्तों कि संविधान दिवस कब मनाया था, क्वेश्चन आया तो 26 नवंबर को, ठीक है, और गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, 26 जनवरी। देखिए ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया था पिछली बार कि संविधान सभा की प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 में, याद आया 9 दिसंबर 1946 अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा है ना, तो जो 9 दिसंबर 1946 जो पहली बैठक हुई थी जिसमें अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों किसको चुना गया था, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, क्योंकि वो सबसे क्या थे, वृद्ध थे, मतलब सबसे
बड़े नेता समझ सकते हैं ना, एजेड थे ना। तो को कहां पे हुआ था दोस्तों, तो आपको बता दें संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम बैठक कहां हुई थी, तो संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में दोस्तों प्रथम बैठक हुई थी किसकी, संविधान सभा की। तो ये चीज याद रखेंगे, अब देखिए याद रखेंगे, देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को, और अंतिम बैठक कब हुई, तो 24 जनवरी 1950 दोस्तों। दो यहां से क्वेश्चन याद रखिएगा कि जब 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी तब यहां पे दोस्तों अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। किसको, सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या किया गया था, एक अस्थाई अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया था संविधान सभा का। और दोस्तों जस्ट इसके दो दिन बाद यानी 11 दिसंबर को, क्या 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसमें हम आपको बता दूं कि एक जो थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनको स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये आप लोगों को भी बिल्कुल अच्छे से पता होगा क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में छपने वाले होते हैं, ठीक, तो इन्हें मत भूल जाइएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप बेसिक ही भूल रहे हैं तो फिर बहुत ही चिंता का विषय है, ठीक है, क्या है, बहुत ही चिंता का विषय है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि देखिए 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, और फिर उसके दो दिन बाद 11 दिसंबर हुआ उस दिन बैठक हुई जिस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक, स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और 24 जनवरी 1950 को जो अंतिम बैठक हुई थी दोस्तों, इसी दिन देखिएगा आपको बता दें राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत और जो अपने राष्ट्रपति हैं, ठीक है, राष्ट्रपति पहले उनको चुना गया, उनको अपनाया गया। तो क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया, तो कब अपनाया गया राष्ट्रगीत को, तो 24 जनवरी 1950 को, और प्रथम राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को ही। मगर देखिए अगर पूछे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कब अपनाएगा, तो 22 जुलाई होगा, ठीक, 22 जुलाई 1947। तो ये चीजें कुछ याद रखने वाली बातें हैं, ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था इसलिए हमने इसको अलग से दे दिया, ठीक है। देखिए कुछ चीजें और बताते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत के प्रथम ICS कौन थे दोस्तों, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर। और भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी, तो किरण बेदी, आप लोग जानते होंगे इनके बारे में, ठीक है। अब देखिए भारत की प्रथम महिला IAS कौन थी, तो अन्ना रजम मल्होत्रा जी थी। और भारत की प्रथम नेत्रहीन IAS कौन है, तो प्रांजल पाटिल है, आपको इनके बारे में पता होगा, अभी जल्द ही बनी थी दोस्तों, ठीक है, ये नेत्रहीन महिला IAS हैं प्रथम, ठीक है। और भारत के सिविल सेवक जनक, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया, क्या भारत में सिविल सेवा के जनक कौन है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जी हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, और दोस्तों अगर इसका आप PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है ज्ञान RBL ऑफिशियल के नाम से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब देखिए कुछ आवश्यक तथ्य दोस्तों आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं। देखिए संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया था। क्वेश्चन आ सकता है संविधान सभा द्वारा मोहर के रूप में किस को अपनाया गया, तो हाथी के चिन्ह को दोस्तों मोहर के रूप में अपनाया गया था दोस्तों। और देखिए VN राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक जो सलाहकार थे दोस्तों वो चुना गया था। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VN राव को संविधान के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था दोस्तों, ठीक। तो ये आपका इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब देखिए HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया, तो ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि ऐसी चीजें बहुत ही कम लोगों को पता होती हैं दोस्तों। वी जो है HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार यानी कि चीफ ड्राफ्ट मैन नियुक्त किया गया था। किसको दोस्तों, LN मुखर्जी जी को, ठीक। तो ये याद रखेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो कि आपके दो बार पुलिस में पूछ लिया गया, क्या दो बार पुलिस के पेपर पूछा गया। देखिए आप लोगों को पता है अभी आपसे पूछा जाएगा ज्यादातर, देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबको नहीं पता है, मगर कुछ लोगों से पूछेगा कि संविधान किसने लिखा, तो तुरंत छूटते बताते हैं कि भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। मगर वो लोग ये भूल जाते हैं कि वास्तव में किसने लिखा, उन्हें इससे मतलब नहीं होता। देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि भीमराव को आप क्यों प्राथमिकता दे रहे हैं, कहने का मतलब क्या है कि आप हकीकत जानिए किसने लिखा है, कम से कम उसके तो नाम को हम जाने कि जिसने हमारे संविधान को, इतने बड़े संविधान को दोस्तों अपने हाथ से लिखा है, ठीक है, 6 महीने का वक्त लगाया है, और क्या उसका नाम हम लोग भूल चुके हैं, ठीक है। तो उनके बारे में आपको जरूर याद रखना है कि ये बहुत ही अच्छी बात है,
कि भैया जिसने पूरा संविधान लिख दिया आप उसका नाम ही नहीं ले रहे हैं, ठीक है। कोई पूछता संविधान किसने लिखा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान था, उन्होंने संविधान अपने हाथ से नहीं लिखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए आपके कहने का मतलब ये क्या है कि ये क्वेश्चन आपके कई बार पेपर में पूछा गया है, यूपी पुलिस के 2 बार पूछा गया, ठीक। हमने खुद देखा है, प्रीवियस ईयर पेपर हमने देखा तो उसमें आपको मिला भी है, ठीक है। तो आप लोग भी जानिएगा कि भीमराव अंबेडकर ने अपने हाथ से संविधान नहीं लिखा, उनका बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़े ज्ञाता थे, ठीक है। मगर देखिए किसने लिखा, तो प्रेम बिहारी नारायण राजादा ने। क्वेश्चन आएगा कि मूल संविधान किसने लिखा दोस्तों, तो प्रेम बिहारी नारायण राजादा ने, ठीक है। अब देखिए भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे, मतलब लिखेगा। और देखिए किसमें लिखा था इन्होंने, जो एक प्रवाहमय शैली होती है इसको इटैलिक बोलते हैं, जो टेढ़ा टेढ़ा होता है हल्का अक्षर, आपने देखा होगा इंग्लिश में इटैलिक कर लेना, ठीक है। आप अगर कंप्यूटर यूज करते हैं तो उसमें आप कर लेना ये इटैलिक, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे लिखावट होती है, ठीक है। तो उसमें लिखा था दोस्तों, ठीक है। तो आपको बता दें कि जब देखिए जब संविधान बनकर तैयार हुआ इसको लिखना था, देखिए इसे टाइप या प्रिंट नहीं किया गया था दोस्तों, इसको हाथ से लिखा गया था, मूल संविधान को हाथ से लिखा गया था। जब इनसे पूछा गया भैया कि आप संविधान लिखेंगे, इन्होंने कहा हाँ हम लिखेंगे संविधान, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि हाँ हम लिखेंगे। जब इनसे पूछा कितने रुपए लोगे, तो इन्होंने कहा भैया भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, हमें पैसों की आवश्यकता नहीं है, बस हमारी कुछ शर्तें होंगी, अगर आप उन्हें मान लेते तो हम संविधान पूरा लिख देंगे। तो इनसे पूछा गया भैया कि बताइए क्या शर्त है, तो इन्होंने कहा था कि मैं संविधान तो लिखूंगा मगर हर एक पेज पर मैं अपना नाम लिखूंगा। क्या? हर एक पेज पर मैं अपना नाम लिखूंगा, यानी प्रेम बिहारी नारायण राजादा, मैं अपना नाम लिखूंगा हर एक पेज पर, और जो अंतिम पेज होगा दोस्तों, जो अंतिम पेज होगा उस पर मैं अपना और अपने दादाजी का नाम लिखूंगा, ठीक है। क्योंकि दादाजी से ही इन्होंने अपनी विद्या सीखी थी, जो इनकी लिखावटी वाली शैली थी दोस्तों, ठीक है। तो आपको बता दें इन्होंने एक शर्त रखी, दो शर्त रखी थी कि मैं हर एक पेज पर अपना नाम लिखूंगा और अंतिम पेज पर अपना और अपने दादाजी का नाम लिखूंगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस पे सहमति होती है और ये बिना शुल्क लिए, ठीक है, बिना शुल्क लिए 6 महीने के बहुत ही अथक परिश्रम के साथ इन्होंने दोस्तों लिखना शुरू किया। और एक चीज जान के आपको हैरानी होगी कि पूरे संविधान में, क्या पूरा संविधान इन्होंने लिखा 251 पेज का, और इसमें एक भी गलतियां नहीं की दोस्तों। आपको पता है अगर आप टाइपिंग भी करवाते तो कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हो जाता है, आप कोई भी बड़ी से बड़ी बुक उठा लीजिएगा उसमें भी कहीं ना कहीं आपको मिसप्रिंट मिल ही जाएगा, ठीक है। मगर देख लीजिए कितने प्रतिभावान थे दोस्तों, इन्होंने एक भी गलती नहीं की, पूरा संविधान लिख के रख दिया 6 महीने में, ठीक है। तो आप अब इससे ज्यादा आप क्या कह सकते हैं, तो इनका नाम मत भूलिएगा। देखिए हम ये नहीं कहते कि आप अंबेडकर जी को भूल जाइए, सबको याद रखिए, मगर इनको भी तो याद रखिए, इनका एक बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने बिना किसी फीस के, बिना किसी फी के दोस्तों इन्होंने फ्री में लिखा है संविधान को, ठीक है। तो ये होती है एक देश भावना दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसने किया है, शांति निकेतन के कलाकारों ने किया है, जिसमें नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा, ना ब्योहर राम मनोहर सिन्हा थे। अब क्वेश्चन पूछेंगे क्या आपसे, आपने देखा होगा जो संविधान होता है दोस्तों उसको लिखा तो आपको पता है नारायण राजादा ने लिखा, मगर जो उस पर सजावट है दोस्तों आपने देखा होगा संविधान, अगर नहीं देखा तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, जो उसमें सजावटी चीजें बनी हैं, थोड़ा सा चित्रकारी की गई है दोस्तों, वो किसने किया है, तो आपको बता दें किसने किया है, नंदलाल बोस और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी याद रख लेंगे। अब देखिए मूल प्रस्तावना को किसने लिखा है, तो वो भी देखिए मूल प्रस्तावना को भी किसी ने लिखा है, इन्हीं के द्वारा लिखा है। क्वेश्चन देखिए सब कुछ सेम है, क्या सब कुछ सेम है दोस्तों, मूल प्रस्तावना जो है क्योंकि वो उसी साथ में भी उसको भी लिखा गया था, ठीक। तो मूल प्रस्तावना को भी प्रेम बिहारी नारायण राजादा ने लिखा है, और देखिए इस पर जो है ज्यामिति सौंदर्यीकरण या फिर अलंकृत इसको सजाया किसने है, तो ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा ने ही सजाया है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन, अब देखिए आपको बता दें दोस्तों कि जो संविधान था वो इंग्लिश में लिखा गया था, किसने लिखा था दोस्तों, आपको बता दिया नारायण राजादा ने। अब देखिए उसका हिंदी में संस्करण किसने लिखा है, मतलब मूल संविधान का हिंदी अनुवाद किसने किया है, हिंदी संस्करण किसने लिखा है, तो बसंत कृष्ण वैद्य ने, किसने, बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा लिखा गया है, और जिसे दोस्तों सजाया किसने है, तो नंदलाल बोस ने, किसने दोस्तों, नंदलाल बोस ने। देखिए ये चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको बता दें कि यही नंदलाल बोस और बिरहू जो मान थे ना सिन्हा थे, राम मनोहर सिन्हा, इन्होंने अंग्रेजी को भी सजाया था, और उसमें से जो हिंदी में अनुवाद किया गया किसने किया है, देखिए इंग्लिश में किसने लिखा, प्रेम बिहारी नारायण राजादा ने, और उसका हिंदी अनुवाद किसने किया है, तो बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया, और उसे सजाया किसने है, तो नंदलाल बोस द्वारा सजाया गया। तो ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। क्वेश्चन देखिए ये वाला बहुत ही बार पूछा गया दोस्तों कि किसने लिखा है, ठीक, तो प्रेम बिहारी नारायण राजादा ने, ठीक है, अंग्रेजी में लिखा है, आपको पता होगा कि मूल संविधान अंग्रेजी में लिखा गया, और दोस्तों आपको बता दें जो मूल संविधान दोस्तों, ठीक है,
उसे अंग्रेजी में लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें और देख लीजिए, कुछ फैक्ट। देखिए संविधान को लिखने में कुल 6 माह का समय प्रेम बिहारी रायजादा द्वारा लिया गया था। इस प्रक्रिया में उन्होंने 303 नंबर की एक निप, दोस्तों आपको पता है कि पहले कोई कलम सही सलामत थे नहीं दोस्तों, ये जो लिखावट होती है दोस्तों ये क्या करते हैं, इंक होती है, इंक में बोर बोर के पेन को, मतलब इंक में डुबो के पेन को फिर लिखते हैं। ठीक, इसीलिए 6 महीने लग गया, नहीं तो बहुत जल्दी लिख देते ना। तो 303 नंबर का एक पेन आता दोस्तों, निप्स आती है, तो 303 नंबर की कुल 432 पेन होल्डरों का यानी 432 निपों का इस्तेमाल इसमें किया गया था। अगर आपसे पूछ लें कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी, जो आपका मूल संविधान दोस्तों, तो आपको बता दें संविधान की वास्तविक पांडुलिपि की लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो 16×22 इंच पार्चमेंट कागज पर लिखा गया। कौन सा कागज? पार्चमेंट कागज पर। और इसकी जो लाइफ है लगभग 1000 साल बताई जाती है। ठीक है, अब देखिए संविधान में कुल कितने हैं, मूल संविधान में कुल 251 पन्ने हैं, जिसका वजन कितना है, लगभग 3.75 kg दोस्तों। ठीक है, 250 ग्राम कम है नहीं, पूरा 4 किलो का क्या है हमारा संविधान है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं बिल्कुल अच्छे से दोस्तों। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम संविधान की कुछ विशेषताएं लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, क्या संविधान की कुछ विशेषताएं लेकर के आएंगे दोस्तों। और आपको पता है कि अगर आपको चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वीडियो पसंद है, क्योंकि हम देखिए अभी हम रुकने वाले नहीं, हम पूरा संविधान आपको पूरा कराएंगे। ठीक है, पेपर से पहले पहले दोस्तों, तो आप देखिए अगर इसकी आप निरंतर पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल। ठीक है, ज्ञान आरबीएल। और दोस्तों एक हमारा नया चैनल है जिसका नाम है ज्ञान एजुकेशन आरबीएल, अगर आप चाहते हैं तो उस पर संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं, जिस पर संपूर्ण हिंदी पढ़ा रहे हैं ज्ञान एजुकेशन आरबीएल यूट्यूब चैनल पर, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका लिंक भी हम नीचे दे देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो आज की कैसी लगी। थैंक यू।